हमारा खुद का हॉस्पिटल है, सनशाइन हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर ही बन पाया ना। चाय पियो और फिर कप खा दो। Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लाए हैं एक बहुत ही स्पेशल डॉक्टर के पास। जी हाँ, डॉक्टर ऐसा जो आपके किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करेगा, वो इलाज करेगा आपके टेस्ट बड का। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हम आए हैं डॉक्टर्स किचन। देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये छोटा सा एक रेस्टोरेंट टाइप है, इसका नाम है डॉक्टर्स किचन, क्योंकि इनके अपने हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ से इन्होंने जो है अपने आउटलेट का नाम रखा है डॉक्टर्स किचन। और यहाँ के सबसे स्पेशल आइटम जो है, जी हाँ, जो दिल्ली में मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, वो है इनके ये कप्स। देखिए मैं क्लोजर लुक दिखाऊं चाहूंगी। जी हाँ, ये कप्स जो है, इन्हें इनमें आप हॉट या कोल्ड कोई भी आइटम जो है आप इसमें ये सर्व करते हैं। इन्हें आप चाय, कॉफी, दूध, जूस जो भी है वो पीने के बाद आप इसे खा भी सकते हो। तो आज हम करेंगे इन्हीं कप्स की, या यूं कहें कि यहाँ की कॉफी की टेस्टिंग, और करेंगे अपना रिव्यू कि ये जो कप्स है ये दिल्ली में वर्ल्ड फेमस होने लायक है या नहीं। तो आइए डॉक्टर्स किचन के जो करता धरता, यहाँ के जो मालिक, यहाँ के जो ऑनर है, उनसे करते हैं एक छोटी सी मुलाकात। हेलो सर, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले अपना नाम बताएं। शुभम। शुभम, तो यहाँ पे जो आपने बड़ा यूनिक सा जो आपने नाम रखा है आपके कैफे का, ये डॉक्टर्स किचन नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली मैम, हमारा खुद का हॉस्पिटल है, सनशाइन हॉस्पिटल। तो हम उसमें हमारे घर में फैमिली में सारे डॉक्टर्स है, तो हमने सोचा कि कुछ यूनिक सा नाम रखते हैं, और फिर हमारा जो खाना होगा, फूड होगा, वो बिल्कुल हाइजीनिक होगा। ओके, आपकी हेल्थ को देखते हैं। ठीक है, तो मतलब फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, तो आपने कैफे खोलने की कैसे सोची? मैम, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया ना। चलिए, ये बात मुझे बहुत पसंद आई। तो अच्छा, मुझे थोड़ा सा अभी इसके बाद सॉरी क्लिनिक बोर्ड में आपने कैफे के बारे में बताओ कि टाइमिंग्स वगैरह क्या है। टाइमिंग्स मैम, मॉर्निंग 10 o'clock से नाइट में 11 o'clock तक। 11 o'clock तक। तो ये जो आपने कॉन्सेप्ट रखा है, जो आपने जो कप जो है आप चाय पियो बाद में खा दो, हाँ, ईटेबल कप्स का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये माइंड में कैसे आया कि आपको ये यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए? वो क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट को देख के, क्योंकि से नो प्लास्टिक। आजकल प्लास्टिक वैसे भी बैन हो रहा है धीरे धीरे, तो हमने सोचा कि कुछ नया लाते हैं। तो फिर हम ये चाय खाओ, चाय पियो और फिर कप खा दो, ये वाला। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये लोगों को कैसे पसंद आ रहा है? ये अभी तो रिस्पांस तो अच्छा है। अच्छा रिस्पांस है, क्या बात है। तो आज अब धीरे धीरे लोगों को और पता चलेगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं पहली बार। कल हमें तो आप एक बढ़िया से, आप मुझे ये बताओ कि जैसे मैं कोल्ड कॉफी के बहुत शौकीन हूँ, तो क्या कोल्ड कॉफी आपका ये कप होल्ड कर पाएगा? जी मैम, 30 मिनट्स तक मैम ये कप को कुछ गारंटीड के साथ है, कप को कुछ भी नहीं होगा। 30 मिनट्स तक एज इट इज क्रंची रहता है ये। तो चलिए, आपने चाय के साथ बहुत सारे बिस्किट टेस्ट किए होंगे, आज हम कॉफी के साथ कप टेस्ट करने वाले हैं। तो हमारी बढ़िया सी कोल्ड कॉफी हो गई है रेडी, और ये है हमारे ईटेबल कप्स। तो ये इस कप में हमने ले लिया है अपनी बढ़िया सी कोल्ड कॉफी। तो मैम, इसका प्राइस कितना है? 45 रुपीज। तो मात्र ये 45 रुपीज में आपको ये बढ़िया सा कप खाने के लिए मिलेगा, और ये बढ़िया सी कोल्ड कॉफी जो है पीने के लिए मिलेगी। वेल, मैं फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूँ, और ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। तो जल्दी से बिना किसी देरी के करते हैं इसकी बढ़िया सी टेस्ट। तो सबसे पहले बात कॉफी की, जैसे कि मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफी पसंद है, तो कॉफी जो है बहुत ही बेहतरीन बनी है, अच्छी सी स्ट्रॉन्ग है, मीठा बिल्कुल कम है, तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसको मैं जल्दी से करती हूँ फिनिश, देन करते हैं अपने कप के टेस्ट। तो ये बढ़िया सी टेस्टी सी कॉफी जो है ये मैं कर चुकी हूँ फिनिश। तो अभी बारी है अपने एडेबल कप को टेस्ट करने की, तो अब इसे करते हैं टेस्ट। वाकई ये काफी ज्यादा क्रंची है, जैसे आपने आइसक्रीम कोन्स टेस्ट किए होंगे, लगभग इसका वैसा ही टेस्ट है।
बट जैसे वो क्या होता है समटाइम थोड़ी देर बाद वो सॉगी हो जाते हैं, जब उसमें आइसक्रीम मेल्ट होती है तो वो सॉगी हो जाते हैं, लेकिन इतनी देर इसमें कॉफ़ी रही है, मैंने टेस्ट की है, उसके बाद थोड़ा सा कन्वर्सेशन भी हमारा चला है, बट स्टिल अभी ये काफ़ी ज़्यादा क्रंची है। तो बढ़िया से टेस्टी कॉफ़ी और टेस्टी सा ये एटेबल कप। तो जो बढ़िया से कॉफ़ी बनाई है हमारी मैम ने, तो मैम एक बार अपना मुझे नाम बताओ। परीना। परीना, तो आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए? टू मंथ हो गए। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, आपने कॉफी बहुत ही लाजवाब बनाई। थैंक यू सो मच। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट। थैंक यू सो मच टू यू मैम। यू वेलकम। तो आइए जल्द से करते हैं हम इस वीडियो को फिनिश। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।